कैसा गया एग्जाम? बहुत अच्छा गया। अब जिया के घर जो है हम लोग पहुंचने ही वाले हैं, बस हम लोग रास्ते में चलते हैं अंदर। बार बुजुर्ग के आशीर्वाद मुझे चाहिए। यह जो है हमारी ससुराल पहली बार आए थे, तो भैया से पूछते हैं कि उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा। कैसा था भैया एक्सपीरियंस? भाई ये बताओ, जिया के लिए क्वेश्चन था, इतना यहाँ पर खिलाया जाता है तो ये इन लोगों का वेट क्यों नहीं बढ़ता भाई। नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग जी? स्वागत करते हैं हम आपका अपने इस नए ब्लॉग में। जी आज है जिया का एग्जाम, हम हो चुके हैं तैयार, अब यहाँ से चलेंगे और हमारे ड्राइवर भाई साहब भी आ गए हैं, वहाँ पर गाड़ी को थोड़ा धो रहे हैं, इसके बाद हम लोग निकलेंगे। चलिए चलते हैं ऊपर। सर जिया भी तैयार हो गई होगी, समय भी हो चुका है निकलने का। धीरे धीरे हमारा जूता पहन लेंगे। हाँ आ गया ड्राइवर, चलो जी अब जिया के कॉलेज हम लोग पहुंचने ही वाले हैं और जिया को लग गई है भूख ना, तो संतरा उठा करके लाई थी लेकिन हमें भी लग गई है भूख, लेकिन हमारा संतरा से काम नहीं चलेगा, हमें कुछ भोजन चाहिए। देख रहे हैं जी आसपास कहीं भोजन मिल जाए तो कुछ भोजन भी कर लेंगे हम लोग। हम लोग अब बीच रास्ते में यहाँ पर रुक चुके हैं, जिया के कॉलेज भी पहुँच चुके हैं, लेकिन थोड़ा आगे चल के रोड पे आ गए क्योंकि हम लोग को कुछ पेट पूजा करना था। बाहर थोड़ा शोर शराबा है इसलिए आवाज आपको पता नहीं प्रॉपर आ रही होगी कि नहीं, लेकिन मैं थोड़ा जोर से बोल रहा हूँ ताकि आपको आवाज सुनाई दे। पीछे भी हमारा बन रहा है सत्तू, तो हम लोग कुछ सत्तू पी लेंगे, पेट में कुछ जाएगा अन्न तो थोड़ा सा एकदम ताकत आएगा, है ना, मजे में एकदम। जी हमने पी लिया है सत्तू और अब लग रहा है जी जान में जान आई है, पेट भरा। हाँ। जी तो आधा ग्लास ही पी पाई, पूरा नहीं पी पाई, बाकी हम खत्म किए हैं, अब चलते हैं जी। समय भी हो रहा है, 9:30 हो चुका है, आधे घंटे में इसका एग्जाम है, चलते हैं। तो जिया के कॉलेज में भीड़ दिख रहा है जी, हिंदी सब्जेक्ट सबका होता है, अच्छा खासा भीड़ है और लग रहा है शायद सीटिंग भी चेंज हो चुका है, जा करके देखना होगा कहां पर इसका सीटिंग है। कैसा नज़ारा है जी अभी कॉलेज का, बहुत लोग हैं आज, लगता है लगभग हर एक विद्यार्थी इधर आ चुके हैं। ले जी जिया को हमने बैठा दिया है अंदर, अब चलते हैं, उसको अपना सीट भी मिल गया है, अपना रूम भी मिल गया है, चलते हैं। ये सब देख करके हमें भी अपने कॉलेज के टाइम का याद आ रहा है, इसी तरह से रूम देखा करते थे जब भी अपना एग्जाम आया करता था, उनका देखा करते थे और भीड़ लगा हुआ करता था। ड्राइवर भाई साहब आगे गाड़ी लेकर के खड़े हैं और आज हम लोग उन्हीं के यहाँ चल रहे हैं, कह रहे आप चलिए हमारे यहाँ, चलते हैं जी भाई साहब के यहाँ, वो कह रहे आज वहीं पर खाना पीना की व्यवस्था है ना जी, तो चलिए भाई साहब के यहाँ आ चुके हैं। यह इनका नानी घर हुआ और यहाँ पर हमारा खाना लग चुका है, तो जल्दी से खाना खाते हैं। और हमारी पिंटू भैया, इनको आपने ब्लॉग में देखा भी होगा, वो भी आ रहे हैं डुमरिया से, एक गांव है डुमरिया पसराहा के पास पड़ता है, तो वो नौगछिया 0 माइल पर आएंगे, तो खा करके उनको भी लेने जाएंगे और फिर उसके बाद आगे जिया को भी लेने जाएंगे, एक घंटा में जिया का एग्जाम भी खत्म हो जाएगा, फिर जिया के घर भी जाना है, तो लंबा प्लान है हमारा आज। ये हो गई हमारी पेट पूजा और अच्छे से खातिरदारी यहाँ पर हुई हमारी, तो अब चलते हैं यहाँ से जी, अब जा रहे हैं अपने भैया को रिसीव करने और यहीं पर जी अच्छी खासी खातिरदारी हो गई है, पेट यहीं पर भर गया है और ससुराल में भी जा करके खाना है, तो वहाँ के लिए भी थोड़ा सा पेट में जगह रखा है क्योंकि वहाँ नहीं खाएंगे तो वहाँ भी खराब लग जाएगा। और भैया आपके पेट में जगह रखी है ना कुछ? हाँ हाँ हाँ, ठीक है वहाँ भी खाना है। तो उधर भैया आ चुके हैं जी और वो आगे चल के बैठते हैं, आइए आइए, नहीं अभी नहीं, इधर ही घुसा लीजिए सामान, खुलने के बाद पीछे खोल दीजिए, तो खुला हुआ है, खुला हुआ है, चलिए बैठ जाइए। क्या लिए? फल। हाँ आज भैया का एकादशी है तो उसके लिए फल ले लिया है, ये रख लो। आप हमारी ससुराल चल रहे हैं तो वहाँ खरीदारी होती है। लेकिन आप जो है व्रत में हैं,
प्रोग्राम चेंज हो जाएगा। चलिए जी, भैया को तो ले लिया और अब जिया का भी एग्जाम खत्म होने वाला है, 1 बजे जिया का एग्जाम खत्म हो जाएगा। अभी बज रहे हैं 12:50, तो वहाँ पहुँचते पहुँचते भी 10 मिनट हो ही जाएगा और जिया का कॉल भी आ गया है, तो लगता है उसका एग्जाम खत्म हो चुका है, तो पहुँचते हैं वहाँ। जिया का कॉल आया जी, उसका एग्जाम तो 15 मिनट पहले ही देख रहे खत्म हो गया, लगता है पेपर जल्दी ही खत्म कर लिया है क्या, क्या पता भगवान जाने। तो हम पहुंच गए हैं जी जिया के कॉलेज, इधर बहुत ज़्यादा जाम है, देख सकते हैं कितना ज़्यादा जाम है, तो गाड़ी हम लोग पीछे से बैक कर रहे हैं। जिया को कहीं थोड़ी दूर पैदल ही चल ले, तो जिया आ रही है, तो चलिए जिया आती है, उससे पूछते हैं उसका कैसा एग्ज़ाम गया। कैसा गया एग्ज़ाम? बहुत अच्छा गया, चलते रहो। गाड़ी आगे लगी हुई है वहाँ पर सबसे कोना में, गिरना नहीं यहाँ से नीचे, चलिए अब सीधा जिया के गाँव चल रहे हैं। अब जिया के घर जो है हम लोग पहुंचने ही वाले हैं, बस हम लोग रास्ते में चलते हैं अंदर। यहाँ सीधे पहुंच गए हैं घर और अपना चाय नाश्ता हो चुका है। यहाँ पर भैया जो है एक एक करके नाम लिख रहे हैं, जो भी रिलेटिव है तो सभी को कार्ड देना है। तो जिया बता रही है वो सारे नाम, यहाँ पर हमारा खाना लग चुका है, हमारा जो पसंदीदा है चरौरी पापड़ और यहाँ तरुआ। तो जिया जल्दी से बैठा है और साथ में जी एक पसंदीदा सब्जी जो कि मेरा सबसे ज्यादा पसंदीदा सब्जी है वो है पनीर, और यहाँ पर जी गाय का एकदम शुद्ध दूध और उसका शुद्ध पनीर मिल रहा है बिना कोई मिलावट का, तो इसका स्वाद कुछ अलग ही रहता है। और इसको खाने के बाद जी क्या होता है कि बाहर का जो पनीर मंगा करके खाते हैं बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है कुछ दिन तक। नहीं पर था ना, नहीं क्या बताऊं जी, अपने देना सुनते नहीं ना अपने दो कोई चीज के 2:30 बजे ना सबसे बड़ा सब टाइम है बड़ बुजुर्ग के आशीर्वाद भी लेके चाहिए। बस वहाँ गिर ही नहीं पड़े, नहीं गिरते, बैग में डाली अभी हम लोग जिया के घर से विदा हुए हैं। यहाँ से अब चलना है एक और रिलेटिव के यहाँ, वहाँ जाकर के हमें शादी का कार्ड देना है। तो हमारे भैया जो है हमारी ससुराल पहली बार आए थे, तो भैया से पूछते हैं कि उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा, कैसा था भैया एक्सपीरियंस? भाई ये बताओ, जिया के लिए क्वेश्चन था, इतना यहाँ पर खिलाया जाता है तो ये इन लोगों का वेट क्यों नहीं बढ़ता भाई? बहुत ही मिलियन डॉलर क्वेश्चन है जी, नाक तक खाना खिलाया गया है व्रत में रहने के बावजूद, एकादशी का व्रत था मेरा और ये इतना फलाहार हो गया कि अब लग रहा है कि बता नहीं। पहले बताइए तुम बना के कुछ रखते खाने, कुछ और व्यवस्था रहता अगर आप पहले बता। अब फलाहार में अब क्या बनेगा भाई, इतने फल हो गए कि हालत खराब हो गई खा खा के। और भैया राजा भैया आपका कैसा रहा अनुभव? ठीक रहा भैया, ठीक रहा। सिसवा बड़ी बार है ना, उतना बड़ा हमारा साथ अभी कोई है ही नहीं यहाँ पे, सब कोई बाहर रहते हैं, सिर्फ मामा लोग। ये बीच रास्ते में आता है तित्री में जो माँ दुर्गा का मंदिर है, तो वहाँ जाते हैं थोड़ा सा जा करके यहाँ भी माता का आशीर्वाद ले लेते हैं, फिर आगे अपनी जर्नी कंटिन्यू करेंगे। ये हो गई यहाँ पर पूजा अर्चना, अब सीधे इसके बाद चलते हैं और अपना जर्नी कंटिन्यू करते हैं। शाम थोड़ा हो जाएगा तो उस समय जी कुहासा भी रहता है, कोहरा भी रहता है, तो उससे थोड़ा सा बचना है हमें, क्योंकि कोहरा में गाड़ी चलाना खतरे से खाली नहीं है। अच्छा तो जी हमारे एक सब्सक्राइबर मिल गए यहाँ तित्री दुर्गा मंदिर में, क्या नाम हुआ आपका? ज्योति। और आपका क्या नाम? राजेश कुमार सिंह। अच्छा जी, कब से देख रहे हैं आप लोग? बहुत दिन से देख रहे हैं, भोपाल में थे तभी से ही देख रहे हैं। अच्छा भोपाल में रहते हैं आप लोग? गए थे, ये ड्यूटी था इसका वहीं पे। अच्छा चलिए जी, तो टिकटॉक के टाइम से देख रहे हैं या यूट्यूब के समय से? दोनों समय। चलिए जी, अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर। Give
कुछ रास्ते में आता है डूमर, तो डूमर में आकर के हम लोग हमेशा चाय तो पीते हैं, लेकिन आज समय है नहीं तो इसलिए पी नहीं पाएंगे। बाकी नैन्सी दीदी के लिए पेड़ा लेना था, वो कही थी जब भी डूमर जाना तो हमको वहाँ का पेड़ा जरूर खिलाना है, ले लेते हैं जी। जी कार्ड बांटने का सारा काम हो गया खत्म जी, लक्ष्मीपुर में हमने दे दिया कार्ड अपने रिलेटिव को। उसके बाद जी अब जाने वाले हैं घर, उससे पहले जी हमने यहाँ पर थोड़ा सा डीजल भरवा लिया, तो उसके बाद अब क्या करेंगे, चलते हैं घर। The next day. जी कल रात में 9 बजे पहुँचे जी हम लोग, और इतने ही ज़्यादा थक चुके थे जिया, तो स्पेशली इतना ज़्यादा थक गई थी आकर के सीधा सो गई। तो जी अभी सुबह सुबह उठे हैं और मौसम जी बड़ा मस्त है, और जिया उठते ही लग गई है कि आज पूरे घर को अरेंज करना, एक एक कपड़े को अरेंज करके रखना है, ठंड के कपड़े निकालना है, गर्मी के कपड़े को अंदर रखना है। तो जिया देख रहे हैं जोर शोर से अपनी तैयारी कर रही है, अब ऊपर जितना भी ट्रॉली है आज उतारना है, ट्रॉली उतारने और चढ़ाने का जो जिम्मा रहता है वो हमारे ऊपर ही रहता है, तो उतारते हैं जी। कुछ कुछ ट्रॉली बड़ा भारी है, अजिया को कितना बार बोले हैं कि एक बार जो याद करके रख लो, हाँ कि नोट बना करके रख लो कि किसमें क्या है, बोल तो रही है सब में सारी है, लेकिन जब वहाँ खोलेंगे तब आपको पता चलेगा। तो जब भी इसको कन्फ्यूजन होगा सुनिए उतार देती है ऊपर से, क्या करेगी उतारना पड़ेगा, पति देव का काम क्या है। ये रहा शादी का एल्बम, नैन्सी दीदी सब देखना चाह रही थी, दे दो तो जी। जिया जो है यहाँ पर सारा सामान जो है बिखेर चुकी है, और हम भी शूट करने में थोड़ा सा साड़ी उधर गिरा दी है, तो जिया अभी आप लोग और ठंड का भी कपड़ा सब निकाल रही है, गर्मी वाला अंडर डाल रही है। हाँ जी, तो अब जो है जी अपने काम में लगेगी, और आज हमारे घर में होने वाली है जी पूजा, तो उस पूजा में हमें बैठना है। तो जो भी पूजा में बैठते हैं उनको जब तक पूजा संपन्न नहीं हो जाए तब तक वह अन्न ग्रहण नहीं करते हैं, तो कोई बात नहीं जी पूजा पर बैठेंगे, अच्छी बात ही है। कभी कभी पूजा होती है घर में, और पूजा में बैठने से एक अलग ही नहीं कहते एक इनर फीलिंग जो होता है कुछ अलग ही तरह का रहता है उसमें, जब भी पूजा में बैठते हैं तो एक लगता है कि फ्रेशनेस सा कुछ शरीर के अंदर आ जाता है, लगता है कि कोई बहुत बड़ी शक्ति है जो हमारे साथ है, इस टाइप का कुछ फीलिंग सब आता है उस समय। तो बैठेंगे जी पूजा में, और अब इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, आगे बहुत मज़ेदार ब्लॉग सब आने वाले हैं, भाई की शादी होने वाली है जी, एक एक चीज़ आपको दिखाएंगे, एक एक डिटेल दिखाएंगे, और आप लोग को दिखा भी रहे हैं जी। तो अब इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, उम्मीद करते हैं आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना नहीं भूले, और हाँ जी वीडियो को एक शेयर तो जरूर कर दे, तो मिलते हैं जी नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।